नमस्कार, मेरा नाम है नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं beforeprint.in। बिहार में पहली बार किसी शैक्षणिक संस्था द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन पटना के पूर्वी पटेल नगर में स्थित SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा कराया जा रहा है। संस्था के डायरेक्टर SK मंडल के अनुसार संस्था और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस स्कॉलरशिप के तहत संस्था द्वारा संचालित बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डी फार्मा आदि में नामांकन के लिए आयोजित इस परीक्षा के तहत विशेष सुविधा मिलेगी। SK मंडल ने परीक्षा और संस्था के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रवेश परीक्षा के लिए ₹200 फॉर्म शुल्क के साथ विद्यार्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आवेदन हिंदुस्तान अखबार के बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और ऑनलाइन आवेदन संस्था के वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं। निर्देशक के अनुसार पारा मेडिकल फार्मेसी और मैनेजमेंट में नामांकन में 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगा। SK मंडल के अनुसार 90% क्लास करने वाले छात्र छात्राओं को 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी मिलेगी। इतना ही नहीं, संस्था में स्टूडेंट क्रेडिट बीट कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है SK मंडल। बिहार के मधेपुरा जिले से ताल्लुक रखने वाले SK मंडल ने 2010 में समाज सेवा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाया और पटना में मजिस्ट्रेट कॉलोनी में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल संस्था खोली। सफल संस्थान के बाद नर्सिंग क्षेत्र में आए और अब संस्था के प्रति छात्रों की बढ़ती रुचि को देखते हुए संस्थान के बैनर तले विभिन्न कोर्सों का संचालन शुरू किया है। बिहार में 6 जगहों पर ये जो प्रशिक्षण संस्थान है संचालित किया जा रहा है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पारा मेडिकल साइंस रामबाग पूर्णिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मधेपुरा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पारा मेडिकल साइंस समस्तीपुर, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दलसिंह सराय समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन वेस्ट पटेल नगर पटना, इन 6 जगह पर जो ये संस्थान की संचालन की जा रही है। इन संस्थानों में नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट के कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें सरकार के द्वारा कुल 2800 सीट आवंटित किए गए हैं, मान्यता प्रदान किए गए हैं। इस 2800 सीटों पर नामांकन लेने के लिए बिल्कुल पारदर्शिता के साथ नामांकन ले, जिसमें किसी तरह का ये नहीं लगे कि कोई मतलब अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया। आम नागरिक तक जन जागरण करके इसको पूरा आम पब्लिक तक इसको हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि सभी लोग इसमें आवेदन फॉर्म जमा कीजिए और उसमें प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और जो उसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होकर के क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का एडमिशन इन संस्थान में होगा। और उस प्रवेश परीक्षा 2022 कंडक्ट कराया जा रहा है। इसका एक खास उद्देश्य ये भी है कि जो बच्चे ब्रांच वाइज जिस प्रशिक्षण कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं उस मेघा सूची के आधार पर जो पहला टॉपर रहेगा उनको कॉलेज संस्था की तरफ कॉलेज की तरफ से पूर्ण रूपेण छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो दूसरे सेकंड टॉपर रहेंगे उनको आधे फीस पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सर, इसे बिहार के छात्रों को क्या क्या फायदा होगा? बिहार के छात्रों को बहुत बड़ी इसमें लाभ ये पहुंचेगी कि मैं आप लोगों के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रशिक्षण कोर्स करने के लिए आप बाहर जाते हैं, ऐसे कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, आपको अब बिहार में से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार में वो सभी कोर्स का ट्रेनिंग कर सकते हैं जो उसको करने के लिए आप बाहर जाते हैं। तो बिहार के बच्चे को ऑटोमेटिक इससे पहले वो अपने घर पर रह के ट्रेनिंग करेंगे। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स है समस्तीपुर में पढ़ाई हो रहा, पहले इसी कोर्स को करने के लिए बैंगलोर में जाके करते थे। ये बिहार के बच्चों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का योजना किया गया कि बिहार के बच्चे बिहार में ही पढ़ेंगे। तो संस्था का इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या कितना राशि खर्च होगा? पूरे प्रोजेक्ट में जब ये लगभग कुल मिला के 100-100 बच्चे वो संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है तो लगभग 100 बच्चे के पढ़ाई पर 4 साल में 2 करोड़ रुपया के लगभग खर्च हो रहा है। उस खर्च की राशि को जो संस्था के द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में स्टूडेंट को छूट दिया जाएगा। आपकी संस्था को कहाँ कहाँ से मान्यता प्राप्त है? ये हमारे संस्था को जो भी संस्थान है जिससे समझ जैसे फार्मेसी है, मैनेजमेंट का कोर्स है, जो भी सक्षम प्राधिकार उनको मान्यता देने के लिए है, जैसे फार्मेसी कोर्स को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार सरकार की मान्यता प्राप्त होना चाहिए,
पारा मेडिकल को बिहार सरकार और राजगढ़ ज्ञान विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई, तो सभी सक्षम प्राधिकार से हमारे संस्था को मान्यता प्रदान की गई है। और प्लेसमेंट के बारे में आपके संस्था के क्या ये हमारे यहाँ जो कोर्सेज है ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत छात्र छात्राओं को 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। प्राइवेट अस्पताल में हम लोग उसको प्लेसमेंट कराएंगे, हमारे प्लेसमेंट सेल के द्वारा उनको 100% गारंटी के साथ प्लेसमेंट कराया जाएगा। इसकी गारंटी मैं अभी दे रहा हूँ उसको। अभी तक कितने लोगों को प्लेसमेंट मिल चुकी? अभी हमारे संस्थान से मात्र एक बैच, अभी जो वर्तमान समय में जो कोर्सेज है एक बैच अभी पास करके निकले हैं, उसमें 60 बच्चे पास करके निकले हैं। 60 में से उनमें से 13 बच्चे को सरकारी नौकरी हो चुके हैं 6 महीना में, और बाकी बच्चे को हमारे द्वारा प्लेसमेंट प्राइवेट अस्पताल में करा दिया जा चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।